हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे आज बच्चे हम लोग चैप्टर थर्ड के सेकंड क्लास में हैं और लास्ट क्लास में हमने मोनोप्ले के ऊपर एक एग्जांपल देखा था और हमने बस मेथड सीखा था कि किस में क्या करना है लेकिन अभी एक भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं किया है तो चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ट हम लोग करते हैं ये आपके बुक से ही पहले क्वेश्चन करा रहे हैं उसके बाद से फिर कुछ और हम अपनी तरफ से कराएंगे पेज नंबर नाइन्टी नाइन आप अपने रीडिंग में निकाल सकते हो इफ़ यू हैव द बुक पेज नंबर नाइनटी नाइन उस पर एक प्रॉब्लम है एक ही क्वेश्चन है आपके बुक से कोकोआ शिपिंग फॉर्म वाला ठीक है तो वन निकालिए आप सबने उसमें दिया हुआ है इफ अ कोकोआ शिपिंग फर्म सेल्स क्यू टन्स ऑफ कोकोआ इन इंग्लैंड कोकोआ यू नो जैसे कॉफी पाउडर बनता है चॉकलेट पाउडर बनता है उसको कहते हैं कोकोआ तो कोकोआ का जो सीड है वो क्यू टन्स का सेल क्यू टन्स ऑफ कोकोआ इन इंग्लैंड कितने की सेलिंग हो रही है क्यू का ट्रांजेक्शन हो रहा है टन द प्राइस रिसीव्ड इज पी इज इक्वल टू दिस वन यानी ये सेलिंग प्राइस है बच्चे सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है सेलिंग प्राइस पी इज इक्वल टू एल्फा वन माइनस वन बाई थ्री क्यू ऑन दर हैंड इफ इट बाईज क्यू टन फ्रॉम इट्स ओनली सोर्स इन घाना वो ख़रीदता कहाँ से है घाना से ख़रीदता है क्यू टन्स। द प्राइस इट हैज़ टू पे इज given बाय यानी कॉस्ट प्राइस इज प्राइस इज इक्वल टू एल्फ़ा टू प्लस वन बाई सिक्स इंटू क्यू एल्फ़ा टू प्लस वन बाई सिक्स इंटू क्यू अब देखो ये जो प्राइस दे रखा है कहीं पर लिखा नहीं है पर यूनिट लेकिन हम लोग इसको एज्यूम करेंगे पर यूनिट वैसे एग्जाम में आएगा तो क्लियरली मेंशन किया आएगा कि ये सारे जो प्राइस है ना वो पर यूनिट ही हैं ठीक है अभी आंसर और सोल्यूशन देख के आइडिया लग जाता है कि हाँ ये पर यूनिट है लेकिन वो लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉपरली इन एडिशन इट कॉस्ट गामा पर टन टू शिप कुकवा फ्रॉम इट्स सप्लायर इन गाना टू इट्स कस्टमर इन इंग्लैंड ठीक है गाना में इतना हमारा कॉस्ट प्राइस तो लगता है इतना हम बिल पे करते हैं कोकोआ वाले को लेकिन वहाँ से फिर माल मंगाने का शिप के थ्रू मंगाते हैं तो शिपिंग कॉस्ट है हमारा या शिप कॉस्ट है गामा पर टन तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है शिप कॉस्ट लग रहा है गामा पर टन गामा पर टन द नंबर्स एल्फा वन एल्फा टू गामा और ऑल पॉजिटिव ये भी बहुत काम आएगा एल्फा वन एल्फा टू एंड गामा आर ऑल पॉजिटिव ठीक है इसमें चार पार्ट है फर्स्ट पार्ट में पूछा एक्सप्रेस द कोकोआ शीपर्स प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ क्यू द नंबर ऑफ टर्म्स शिफ्ट ठीक है तो हमें प्रॉफिट निकालना है क्या निकालना है प्रॉफिट तो मुझे ये बताओ बच्चे कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा रेवेन्यू पहले रेवेन्यू निकाल लें कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो सेलिंग प्राइस पे रेवेन्यू होगा एस पी क्यू अगर ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू मिल जाएगा सो दिस विल बी अल्फा वन इंटू क्यू माइनस वन बाई थ्री क्यू स्क्वायर देख रहे हो ना या इसको पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं ज़्यादा समझ में आएगा इंटू क्यू सो दिस विल बी एल्फा वन इंटू क्यू माइनस वन बाई थ्री क्यू स्क्वायर यह आ गया हमारा रेवेन्यू कॉस्ट प्राइस बच्चे कितना हो जाएगा सी क्यू सी क्यू से क्या रिप्रेजेंट करेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर क्यू यूनिट्स तो सी क्यू विल बी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस पर आइटम इंटू क्यू तो ये आ जाएगा हमारा एल्फा टू प्लस क्यू बाई सिक्स इन टू क्यू सो दिस बी एल्फा टू क्यू प्लस क्यू स्क्स समझो जरा लॉजिक समझना ऐसे ही क्वेश्चन पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है नंबर वाले तो क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे ई कॉर्नर्स वाले बच्चे नंबर वाले क्यों नहीं कर लेंगे लेकिन जो अल्फा बीटा को हैंडल कर सकते हैं वो नंबर को भी कर सकते हैं तो आपके दिमाग को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है ताकि आप अल्फा बीटा को ही स्टडी कर सको ढंग से अच्छा एक मिनट इधर का क्यों नहीं आएगा ना हाँ इतना आ गया हमारा कॉस्ट फंक्शन अब फर्स्ट में जो मांगा है प्रॉफिट फंक्शन तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए क्या करेंगे अच्छा एक और कॉस्ट लग रहा है उसको तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं क्या कॉस्ट है टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू ये जो भी कॉस्ट आया है इसमें से माइनस इसमें ऐड नहीं करेंगे वो गामा इंटू क्यू गामा पर्टन शिपिंग का भी तो कॉस्ट लग रहा है ना समझ में आ रही बात तो शिप का भी तो कॉस्ट हमें देना ही पड़ेगा ना रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा तो गामा इंटू क्यू अब प्रॉफिट फंक्शन विल बी इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट रेवेन्यू इज वॉट एल्फा वन क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई थ्री माइनस दिस वन अल्फा टू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई सिक्स प्लस गामा इंटू क्यू प्लस गामा इंटू प्लस गामा इंटू क्यू देखो तो जरा क्यू स्क्वायर यहाँ भी है क्यू स्क्वायर यहाँ भी है तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई थ्री माइनस क्यू स्क्वायर बाय सिक्स Q यहाँ भी है Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है तो इट विल बी Q और कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ तक में किसी को कोई डाउट अब इधर ये दोनों तो सेम है एल लेंगे तो सिक्स थ्री टू जा तो माइनस टू क्यू स्क्वायर और फिर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इन अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू माइनस गामा तो इट विल बी माइनस थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस क्यू इंटू एल्फ़ा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा थ्री से गया टू तो प्रॉफिट फंक्शन बच्चे आ गया माइनस वन बाई टू इंटू क्यू स्क्वायर प्लस एल्फा वन माइनस एल्फ़ा टू माइनस गामा इंटू क्यू और इसका आंसर बच्चे आपके बुक में दिया होगा क्योंकि ये ऑड है तो जब आप बुक परचेज करते हो तो उसमें ऑड के आंसर मिल जाते हैं तो जरा मैच करें माइनस वन बाई टू क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा वन अल्फा टू ठीक है सही है प्रॉफिट फंक्शन हमारा सही है तो फर्स्ट पार्ट हो गया आ रहा है समझ में ठीक yes, है yes. ओके चलो सेकंड पार्ट पे पढ़ते हैं बुक है आपके सामने तो देखो तो सेकंड पार्ट में क्या है एज्यूम डैट एल्फ़ा वन ये तो एज्यूम करने को कह दिया एल्फ़ा वन माइनस एल्फा टू माइनस ग्रामा इज़ ग्रेटर दैन जीरो फाइंड द प्रॉफिट मैक्माइजिंग शिपमेंट ऑफ कोकोआ ठीक है यानी जो हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाला है ना फर्स्ट पार्ट में बच्चे उसी को मैक्सीम करना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें आ, वो डिफ्रेंसीशन नहीं यूज़ करना एग्ज़ाम में आएगा तो हम डिफ्रेंसीशन भी यूज़ करेंगे इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हम चैप्टर थ्री में नहीं करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट वाले कहा करेंगे चैप्टर नाइन में करेंगे तो चैप्टर थ्री में सिर्फ थोड़ा थोड़ा आइडिया है घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर नाइन में मिलेंगे तो देखो जरा लेकिन क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन हमें आता है तो हम लोग कर सकते हैं पाई क्यू इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस वन बाई टू क्यू स्कवायर कल जो कराया था वही टेक्निक यहाँ पर लगाना है क्या कॉमन ले लेंगे माइनस वन बाई टू कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी क्यू स्क्वायर माइनस टू ऊपर चला जाएगा एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा इंटू क्यू अब देखो माइनस वन बाई टू क्यू स्क्वायर माइनस टू इंटू एल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा इंटू क्यू तो मुझे तो मिल गया यही वो क्वान्टिटी है जो टू ए बी में एक अकेला ए आता है तो इसी का स्क्वायर एक बार हमें ऐड करना है अगर परफेक्ट स्क्वायर अच्छे से बनाने आता है तो और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है अब ये तीन टर्म मिल करके क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यू माइनस एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा का होल स्क्वायर और ध्यान से देखो फिर इसका माइनस इसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा का होल स्क्वायर बाय तो पाई क्यू को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट ओके अब मुझे ये बताओ इस पार्ट के बारे में कि ये पार्ट या तो नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा क्योंकि इधर है होल स्क्वायर और बाहर में है नेगेटिव तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू बच्चे एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमम पाई क्यू इज इक्वल टू क्यों आप लिख दोगे क्योंकि ये जो है हमारा होल स्क्वायर और बाहर में माइनस वन बाई टू है एज़ माइनस वन बाई टू कोफिशियंट इज़ नेगेटिव तो मैक्सिमम पाई क्यू इजल टू मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो जाएगी बच्चे एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा का होल स्क्वायर बाई टू और ये किस पे मिलेगा जब क्यू की वैल्यू ये होगी एट क्यू इज इक्वल टू एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा तो इस पे स्टार लगा दो क्योंकि ये खास क्यू है ये जनरल क्यू नहीं है ये ऐसा क्यू है जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा एंड दिस इज मैक्सिमम प्रॉफिट अब बताओ बच्चे इसमें किसी को कोई डाउट अब इन्होंने पूछा है कि वॉट अभी बाकी रहता है ये ये देखो ना में बताया नहीं था कि किस लेवल पे आ रहा है मैक्सिमम कब होगा मैक्सिमम जब ये वाली पार्ट जीरो होगी और ये कब होगा जीरो जब क्यू की वैल्यू इसके साथ मैच कर जाएगी तभी तो ये कैंसिल होगा ना और जीरो बन जाएगा ठीक है देखो एम एम में ना अचानक से टेंथ में गए थे तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो गया था तो सब सरप्राइज होते अरे इतना कुछ है एक चैप्टर में इतने इतने क्वेश्चन टेंथ तक तो बड़ा मजा आता था क्योंकि सिर्फ एनसीआर ही करते थे टेंथ तक थोड़ा बहुत आर्टिशर्मा अगर किसी किसी ने कर लिया तो कर लिया इलेवेंथ में आओ तो एनसीआरटी में ही इतने सारे एक्सरसाइज और इतने सारे क्वेश्चन अचानक से बढ़ जाता है लेवल तो वैसे ही अब कॉलेज में भी अब आपका क्या है लेवल बढ़ चुका है और एम एम वन में खास करके छोटे छोटे बहुत सारे और नए नए टॉपिक्स हैं वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं इतने टॉपिक ना बच्चों को याद रखना ही मुश्किल है अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एक बार पढ़ गए तो किसी को एम में कुछ नहीं होने वाला पेपर पास तो कर जाओगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सोचोगे कि मुझे अब एम एम में बिल्कुल मास्टर बन गया अब कोई कहीं से कुछ पूछ ले आ जाएगा तो कभी नहीं होता है एम एम वन को कम से कम दो बार करना होता है एग्जाम के पहले क्योंकि पहले बार में तो टॉपिक ही समझने में टाइम लग जाता है और दूसरे बार में ये तैयारी की जाती है कि आखिर हमें कितने टेक्निक्स सीखने हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या सीखना है सेकेंड चैप्टर में क्या क्या सीखना है ठीक है तभी हम अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि आप क्वेश्चन देख करके और आपके दिमाग में उससे रिलेटेड ही टेक्निक आपके सामने में आ जाए ये भी एक बहुत बड़ा बात होगा इसके लिए तभी होगा जब आपकी पूरी थॉर और डिटेल नॉलेज होगी आपको सारे टॉपिक भी लर्न होंगे मतलब सिलेबस के अंदर का डिटेल सिलेबस भी आपको लर्न होगा तभी तो आप लगा पाओगे कि अरे चैप्टर टू का नहीं है ये क्यों नहीं है क्योंकि चैप्टर टू में जितनी बातें पढ़ी उसमें से कुछ इस पर नहीं लग रहा है चैप्टर थ्री का नहीं है ये क्यों नहीं है क्योंकि चैप्टर थ्री की पाँच छः टॉपिक थे मुझे याद है उसमें से किसी से ये मैच नहीं कर रहा है तो ऐसे सोचते हम लोग ठीक है तो इसलिए आपको हर क्लास में ना लास्ट क्लास का रिवाइज़ करके आना चाहिए इसलिए मैंने इतनी सारी बातें कही हैं बस क्लास शुरू होने में जो पांच दस मिनट लेट होता है वेट करते हैं और सभी बच्चों का उसमें फटाफट बस पेज पलट करके देख लेना ना कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था जल्दी जल्दी देख लो मिनट ही लगता लगता है नहीं लगता है उससे ज़्यादा नहीं चलो देखते हैं ऐसे करोगे ना तो अच्छी बात रहेगी आप एक टॉपिक को तीन तीन बार पढ़ लोगे एक बार क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास में और एक बार क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन का हैबिट डालो क्विक रिवीजन तो इफ़ अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो तो इधर देखो यही वो वो चीज़ है ना अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा तो लिखेंगे इफ़ अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो देन क्यू स्टार विल बी नेगेटिव व्हिच हैज़ नो इकोनॉमिक सेंस ये मैच कर गया उस एग्जाम्पल से च हैज़ नो इकोनॉमिक सेंस इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा शट डाउन पॉइंट और तब हम लिखेंगे ये बी पार्ट चल रहा है ना यस बी पार्ट ही चल रहा है अच्छा बी का ही ये पार्ट है तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है शट डाउन पॉइंट तब हम लिखेंगे देन मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी ज़ीरो एट क्यू स्टार इज इक्वल टू ज़ीरो तो क्यू स्टार भी जीरो हो जाएगा ऑप्टिमम क्वांटिटी भी जीरो, जीरो। बी पार्ट तो हो गया अब हम लोग आते हैं सी पार्ट पे ठीक है सारी बातें हो गई हमने कॉस्ट में किसको किसको इंक्लूड किया था जो बिल पे किया था कोकोआ शिपिंग फर्म को और शिप के थ्रू जो सी रूट के थ्रू जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन कैरी किया था उसका कॉस्ट पे किया था लेकिन अब एक्स्ट्रा टैक्स भी लगने वाला है सी पार्ट देखो सपोज द गवर्नमेंट ऑफ गाना इम्पोजेज एन एक्सपोर्ट टैक्स एंड ऑन कोकोआ ऑफ टी पर टन अब टैक्स लग रहा है बच्चे टी पर टन के हिसाब से लग रहा है क्या आप बता सकते हो ये किस टाइप का टैक्स है एक्सपोर्टेड टैक्स तो ठीक है लेकिन कल जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्साइज और सेल्स उसमें से कौन सा एक्साइज एक कैसे पहचाना एक्साइज है सेल्स क्यों नहीं है पर हाँ पर टर्न पे लग रहा है ये रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से परसेंटेज में नहीं दिया हुआ ठीक है जो सेल्स टैक्स होगा ना वो दिया होगा टेन परसेंट फाइव परसेंट टू परसेंट इस तरीके से हमें दिया होगा तो परसेंटेज के हिसाब से या एट द रेट ऑफ दिस ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन कुछ ना कुछ ऐसे लैंग्वेज दिया होगा ये तो पर टन के हिसाब से है तो ये है एक्साइज टैक्स अब इस एक्साइज टैक्स को हमें अप्लाई करना है बोला इन्होंने फाइंड द न्यू एक्सप्रेशन फॉर शिपर्स प्रॉफिट एंड द न्यू क्वांटिटी शिप्ड तो अब नया प्रॉफिट फंक्शन बच्चे निकालना है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि न्यू प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट माइनस टी इंटू क्यू कर देंगे क्योंकि ये पर टन के हिसाब से टी हमें पे करना पड़ रहा है और हमारी ट्रांजेक्शन कितने टन की हो रही है क्यू ट्स की हो रही है तो हम जो टैक्स पे करेंगे वो टी इं क्यू पे करेंगे तो टी इंटू क्यू करके माइनस कर देंगे बिकॉज टैक्स हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्रॉफिट वो हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए कॉस्ट जैसा ही हो जाएगा आगे बात समझ में तो न्यू फंक्शन विल बी ओल्ड फंक्शन कहाँ है प्रॉफिट का दिस इज द ओल्ड फंक्शन माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू प्लस एक बार फिर से पीछे जाना पड़ेगा अल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा इंटू क्यू एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा इंटू क्यू एक और आ गया माइनस टी क्यू एक और आ गया माइनस टी क्यू तो बस फर्क क्या पड़ा माइनस वन बाई टू क्यू स्क्वायर तो था ही यहाँ पर क्या हो गया अल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा और इधर हो गया माइनस टी ये एक एक्स्ट्रा आ गया और कुछ नहीं हुआ इन टू क्यू ये क्या हो गया एक्स्ट्रा आ गया माइनस टी अब एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से तो फंक्शन तो वही है अब इसको मैक्सिमाइज़ करना है तो देखो ज़रा पाई एन क्यू इज़ इक्वल टू माइनस हाफ को बाहर ले लेंगे तो दिस विल बी क्यू स्क्वायर और माइनस टू इंटू एल्फ़ा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा माइनस टी इंटू क्यू और अब यही बच गया ना टू इंटू दिस तो इसका क्या करेंगे एक बार एल्फ़ा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर और फिर माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर सो दिस विल बी माइनस वन बाई टू नाउ सी वन टू और ये हो गया थ्री इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे क्यू माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा माइनस टी बस आप हर जगह ये देखो सॉरी हर जगह ये देखो कि बस ये एक एक्स्ट्रा आ गया है Sorry, टी टी एक एक्स्ट्रा आ गया है टैक्स की वजह से बाकी सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है और फिर ये माइनस और ये माइनस मिल करके के क्या हो गया प्लस वन बाई टू एल्फ़ा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा माइनस टी का होल अच्छा ये वन बाई टू पीछे मल्टीप्लाई किया था हमने एक मिनट जब मैक्सिमम प्रॉफिट किया था हाँ यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था ना नहीं किया था ठीक है ये मुझे देखना था कि टू मैंने लिखा था या नहीं लिखा था हम्म तो अब देखो अब ये फिर से वही चीज़ है कि इसमें ये कोफ़िशेंट क्या है नेगेटिव बाकी सब क्या है होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो तो हम क्या लिखेंगे मैक्सिमम पाई एन क्यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो सो ज़ीरो प्लस इस पार्ट को होना पड़ेगा ज़ीरो और जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो रहेगा ना वो तो कॉन्स्टेंट है दिस इज़ योर मैक्मम प्रॉफिट किस पर मिलेगा कोई बता सकते हो एट क्यू इज़ इक्वल टू वॉट नहीं ठीक है एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा माइनस टी ये है क्वांटिटी लेवल फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट सी पार्ट हो गया अभी ख़त्म नहीं होता अभी एक पार्ट और है इस क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें बता दी अगर आपको ये लेना होगा स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप ले सकते हो नहीं तो इस वीकेंड पे क्योंकि आज हमारे इस वीक की लास्ट क्लास है मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास हुआ करेगी तो मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल बी अपडेटिंग ऑल द वीडियोज़ ऑन द वेबसाइट अब आपके जो राइट वे लॉग इन जो आपको मिला हुआ है अब उस पर पुराने वीडियोज़ को हटा करके इन नए वीडियो से हम लोग उसको क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे तो इन्हीं वीडियोज़ को डाल देंगे वहाँ पर ओल्ड वीडियोज़ मतलब ये है कि जो क्लासरूम से नहीं है अभी लेटेस्ट जो आज शुरू किया यही डाल देंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आप वहां से भी आराम से पॉज कर करके आप अपना नोट्स बना सकते हो डी कैलकुलेट द गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट टैक्स रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड एडवाइज इट ऑन हाउ टू अपटेन एज मच टैक्स रेवेन्यू अब हमें गवर्नमेंट का फ़ायदा करवाना है इस तरीके से सोचो गवर्नमेंट का फ़ायदा कराना है तो लेट कैपिटल टी बी दी टैक्स रेवेन्यू ठीक है तो टैक्स रेवेन्यू कितना होगा टी इज इक्वल टू जो क्वांटिटी होता है ना मैक्सिमम प्रॉफिट वाला उसमें हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जो क्वांटिटी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं टैक्स रेट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको बताते हैं तो याद रहेगा आप लोग दिल्ली में आए ही हो एडमिशन कराने अगर आप दोनों ही बाहर से हो गए वैसे सिमरनजीत आप दिल्ली से हो या बाहर से हो ठीक है तो जो बच्चे दिल्ली उनको पता ही होगा सीपी से लेकिन जो बच्चे दिल्ली से नहीं है तो अनल उनको फिर वो दिल्ली वाला माहौल देखने को अभी तक नहीं मिला होगा जिसके लिए बच्चे बड़ी सोच समझ करके आते हैं कि जाएंगे दिल्ली में देखेंगे कि क्या क्या है वहाँ पे मॉल वगैरह घूमेंगे वहाँ का लाइफ देखेंगे सबको अट्रैक्ट करता है बिकॉज इट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया तो दिल्ली में सीपी एक जगह एक नॉट प्लेस इसके बारे में तो सबको पता है जो नहीं रहते हैं वो भी और जो रहते हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े रह, मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट है हर तरीके के रेस्टोरेंट है गरीब लोगों के लिए भी खाना है अमीर लोगों के लिए भी खाना है तो वहाँ जो लोग काम करते हैं शॉप्स वगैरह में इन सब में रिटेल शॉप वगैरह में जो काम करते हैं उनको तो बहुत कम सैलरी मिलती है तो वो तो रोज वहाँ के बगल वाले रेस्टोरेंट में तो जा करके के खाना खा नहीं सकते तो वो कहाँ खाना खाते हैं सड़क पर ही जो भेलपूरी या जो छोले कुलचे वाले ये सब होते हैं उनके यहाँ जा करके खाना खाते हैं उसी में से एक चाट वाले की स्टोरी बता रहे हैं जो भला पापड़ी चाट वगैरह बनाता था उसकी स्टोरी बता रहे हैं वो डोना नहीं होता डोना जो पेपर प्लेट होते कटोरी होते हैं उसमें वो एक एक प्लेट देता था खाने को और उसके एक प्लेट का कॉस्ट था फोर्टी रुपीस ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं क्योंकि हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे फोर्टी रुपीस पर प्लेट वो सेल करता था ठीक है अब ये बहुत सस्ता हो गया वहाँ के लिए तो काफ़ी सारे लोग यही खाना खा करके अपना दिन का काम चला लेते थे तो उनके यहाँ बहुत सारे लोग आते थे और वो रेड़ी लगाता था जो ठेला कहा जाता है ठेला एक छोटा सा लकड़ी का बना करके चार चक्के लगा करके उसी पे बस अपना उसको कोई ना शॉप लेना पड़ा ना रेंट पे करना पड़ा ना एसी बिल ना इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ नहीं पे करना पड़ा ठीक है आराम से वो आता था अपने घर से ही बना बना करके और बेच करके चला जाता था अब उसके बारे में कोई सोच सकता है कि वो कितना कमाएगा क्या इनकम टैक्स वाले उसके यहाँ जाकर के रेट मारेंगे नहीं मारेंगे क्योंकि वो तो बहुत गरीब इंसान लोग समझते हैं लेकिन हुआ ये कि वो एक दिन में ऑन एन एवरेज बारह सौ प्लेट बेच लेता था सुबह से रात तक में क्योंकि सीपी पे भीड़ बहुत होती है अब सोचो कि वो एक दिन में कितना कमाता था ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट फोर्टी एट थाउजेंड उसकी रेवेन्यू कलेक्शन होती थी एक दिन की इतना तो बड़े बड़े लोगों को सैलरी भी नहीं मिलता वो एक महीने में कितना कमाता होगा और एक साल में कितना कमाता होगा आप सोच सकते हो क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ही कम लग रहा है फोर्टी एट थाउजेंड में से कितना कॉस्ट होगा बहुत कम होगा अब बताओ कि अब इनकम टैक्स वालों को इनको पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए बिल्कुल पकड़ना चाहिए लेकिन कैसे पकड़ेंगे वो तो कहेगा मैं गरीब इंसान हूं मुझे क्यों पकड़ रहे हो इनकम टैक्स वाले ये सही की घटना आपको बता रहे हो उनको फॉलो करना शुरू कर दिया तो कुछ इनकम टैक्स वाले जो है वो अपना बस आ, उसके साथ दोस्ती बढ़ा ली उनको पता नहीं लगने दिया कि वो इनकम टैक्स वालों की तरफ से और वो लगातार एक हफ्ते तक उसके यहाँ जाकर के रोज एक प्लेट खाता था खड़े होकर के भैया कितने का बिक जाता है ये वो उससे दोस्ती बढ़ा ली दोस्ती में दोस्ती में ही उसने पता लगा लिया कि, कि किस दिन ज्यादा बिकता है तो उसने बोला कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन काफ़ी ज्यादा बिकता है क्योंकि छुट्टी वाले दिन लोग शॉपिंग के लिए काफ़ी ज्यादा आते हैं तो संडे को जो है उसका लगभग पंद्रह सौ से अठारह सौ के बीच में प्लेट बिक जाता है उसने कहा कि ऑन एन कहाजरा सौ से अठारह सौ के बीच में प्लेट बिक जाता है ऑन संडे अब एक हफ्ते तक उसको फॉलो करने के बाद एक आइडिया तो लग चुका है कि 1200 सौ ऑन एन एवरेज उसका प्लेट बिकता है एक दिन में नॉर्मल वर्किंग डे में भी और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उसका 1500 से 1800 प्लेट बिक जाता है अब इनकम टैक्स वालों ने पूरी तैयारी की संडे को आकर के उसके यहाँ रेट मार दिया आ, मारा बोला कि तुम बहुत पैसे कमाते हो उसने कहा कि नहीं सर हम नहीं कमाते तुम टैक्स क्यों नहीं देते हो तुम इसका रोड यूज़ कर रहे हो यहीं का सब कुछ यूज़ कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने कहा नहीं सर मैं गरीब आदमी हूँ तो नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा कमाते हो कैसे पता लगेगा कुछ आइडिया है कि उसकी कलेक्शन कितनी गई है कैसे पता लगेगा हो सकता है कि वो जो कमाया होगा वो पैसे अपने बेटे से या किसी से बैंक में जमा भी करवा दिया होगा उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं पैसा चेक किया तो उसके पास पैसे हैं नहीं पता है क्या क्या है उन लोगों ने डस्टबिन को पलट दिया अब बताओ अब डस्टबिन को पलटने से डस्टबिन में टोटल प्लेट को काउंट किया गया यूज प्लेट जो लोगों ने खा करके फेंके थे डस्टबिन उसी दिन का है क्योंकि डेली बाय डेली डस्टबिन को खाली किया जाता है और पता है उस दिन उस भेलपुरी वाले का लक खराब था उसमें से निकल गए कितने प्लेट दो हज़ार प्लेट अब इनकम टैक्स वालों ने क्या कहा कि आपके 2000 प्लेट बिके हैं उन्होंने पूरा तैयार कर दिया एक दिन में 2000 तो एक साल में इतने प्लेट तो एक साल में इतने प्लेट अब उसका पूरा इनकम टैक्स का पूरा बना करके उसको दे दिया और बोला कि आपको पे करना पड़ेगा अब बताओ तो वहाँ पर जो एक चीज़ है वो आपको बस यही याद रखनी है कि टैक्स किस हिसाब से लगा दो के हिसाब से लगा दो प्लेट बिकी थी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्लेट्स तो जब भी गवर्नमेंट टैक्स वसूलता है ना जब कलेक्ट करता है टैक्स रेवेन्यू जब भी वो कलेक्ट करता है तो गवर्नमेंट चाहता है कि मैक्सिमम अमाउंट कलेक्शन जाए उसका तो वो किस क्वांटिटी को सेलेक्ट करता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला लेवल होता है यूज फॉर टैक्स रेवेन्यू इसी को यूज़ करेंगे हम टैक्स रेवेन्यू के लिए तो आज के बाद से मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी लाइफ में भूलोगे कि टैक्स रेवेन्यू में हम कौन सा क्वांटिटी लेते हैं तो क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम प्रॉफ़िट क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम प्रॉफ़िट तो बच्चे हमारा टैक्स रेवेन्यू कितना हो गया क्यू स्टार की वैल्यू डाल देंगे अल्फा वन माइनस अल्फ़ा टू माइनस गामा माइनस टी इंटू टी सो टैक्स रेवेन्यू इज अल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा इंटू टी माइनस टी स्क्वायर अब टैक्स रेवेन्यू तो हो गया

हम लोगों को तो क्वाड्रेटिक से बढ़ना है ना डिफरेंस वी डोंट हैव टू यूज डिफरेंसिएशन तो ध्यान दो जरा टी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस अल्फा वन अल्फा टू माइनस गामा इंटू टी अब क्या करेंगे फिर माइनस कॉमन ले, ले लेंगे तो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा इंटू टी टू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और लगे आ तो टू से डिवाइड भी कर देंगे तो इसका क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर एक बार एड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार क्या करेंगे बताओ सब्ट्रैक्ट करेंगे अब ये तीन चीजें मिलकर के हो जाएगी क्या बताओ टी विल बी इक्वल टू माइनस टी माइनस एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस गामा बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस माइनस यहां देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस और अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा होल स्क्वायर बाय टू तो हम क्या लिखेंगे मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू इज अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा होल स्क्वायर बाय टू दिस हैज़ टू बी ज़ीरो क्योंकि ये नेगेटिव और ज़ीरो हो रहा है एट टैक्स रेवेन्यू का जो रेट है वो कितना फिक्स करेंगे टैक्स रेट अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस गामा अपॉन टू ठीक है तो ये हो गया टैक्स रेट और ये हो गया मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू और ये इस रेट पे अब जाकर के ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ अब इसी में कभी कोई नंबर या डिजिट मिल जाएगा तो सॉल्व हमें इसी तरीके से करना है इससे ज़्यादा स्टेप्स हमें नहीं फॉलो करने तो हमने हर चीज़ सीख लिया बच्चे प्रॉफिट uh, फंक्शन निकालना रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन निकाल करके प्रॉफिट फंक्शन निकालना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना उसके टैक्स का इफेक्ट देखना उसके टैक्स रेवेन्यू भी एक नया टर्म हमने सीखा जो कि हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन में पूछा है तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये तो हम लोग जरूर से जरूर कराते हैं बच्चों को ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए नाउ सी अब एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे ध्यान से सुनना कंपनी फाइंड्स डैट इट कैन सेल आउट अ सर्टेन प्रोडक्ट डैट इट प्रोड्यूसेज एट द रेट ऑफ रुपीज फोर पर यूनिट कंपनी जो है वो बेच सकता है यानी प्राइस हो गया रुपीज फोर ये बता सकते हो किस टाइप का फॉर्म है कंपिटिटिव है या मोनोप्ली है कॉम्पिटिटिव है क्योंकि फिक्स्ड प्राइस है और फिक्स्ड प्राइस सिर्फ वहीं होता है तो ये दे रखा है कि कंपनी फाइंड्स डेट इट कैन सेल आउट अ सर्टेन प्रोडक्ट डेट इट प्रोड्यूसेस एट द रेट ऑफ रुपीज फोर पर यूनिट इट एस्टिमेट द कॉस्ट फंक्शन टू बी कॉस्ट दे रखा है बच्चे फोर हंड्रेड प्लस वन बाई टू एक्स बाई फिफ्टी का होल स्क्वायर वेयर एक्स यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो अब इस कॉस्ट को ना आप कॉस्ट पर यूनिट मत ले लेना ले ये टोटल कॉस्ट गिवन होता है ठीक है टोटल कॉस्ट है फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड टोटल प्रॉफिट फाइंड टोटल प्रॉफिट फंक्शन टोटल प्रॉफिट फंक्शन उसके ऐसे सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड इक्विब्रियम वैल्यूज ऑफ एक्स इक्विब्रियम क्या होगा एट इक्विब्रियम प्रॉफिट इज मैक्सिमम ना फाइंड इक्विब्रियम वैल्यू ऑफ एक्स थर्ड इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेज एन एक्साइज टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया एक्साइज टैक्स फिफ्टी पैसे पर यूनिट फिफ्टी पैसे तो आप इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि यहाँ पर रुपीस में दिया हुआ था प्राइस इज़ रुपीज़ फ़ोर फिफ्टी पैसे पर यूनिट ऑफ आउटपुट फाइंड इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब अब इस केस में आप आउटपुट निकालो जो कि मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को एंड एक चीज और जोड़ दिया टैक्स रेवेन्यू भी आपको निकालना है तो बिल्कुल पिछले वाले एग्जांपल जैसा ही आपको आगे बढ़ना है तो आप इसको अभी ट्राई कर सकते हो तो पहले आप खुद ट्राई करो नहीं बनेगा देन यू सी माई सोल्यूशन तो अभी जो भी बच्चे पढ़ रहे हो रिकॉर्डेड लेक्चर वो इसको पॉज कर दो और जितने भी बच्चे क्लास में हो अभी आप इसको करना शुरू करो देखो बच्चे इसको करना कैसे है तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन के लिए रेवेन्यू निकालेंगे तो रेवेन्यू विल बी फोर इंटू एक्स कॉस्ट तो दे ही रहा है फोर हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर देखना जरा कॉस्ट कितना हो जाएगा ये फिफ्टी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू टू कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड यहाँ तक सबने कर लिया था तो अब देखो प्रॉफिट फंक्शन जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट रेवेन्यू इज फोर एक्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो माइनस फोर हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर बाई फाइव थाउजेंड लेकिन जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिग्री वाले टर्म को लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है एक्स स्क्वायर है इसका यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई फाइव थाउजेंड फिर आएगा फोर एक्स और माइनस फोर हंड्रेड यह आ गया प्रॉफिट फंक्शन फर्स्ट पार्ट में यही था ना फाइन टोटल प्रॉफिट फंक्शन फाइन इक्लिब्रियम वैल्यू ऑफ एक्स तो इक्लिब्रियम के लिए हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे किसको मैक्सिमाइज पाई एक्स को तो so, उसके लिए बच्चे हम लोग करेंगे पाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफ़िशेंट जो है फाइव थाउजेंड वो ले लेंगे और सेम एक्स ही लिखो ऐसे वाला बना देते नहीं तो वो मल्टीप्लीकेशन जैसा लगने लगता है एक्स स्क्वायर फाइव थाउजेंड तब ऊपर जाएगा बच्चे वन बाई फाइव थाउजेंड कॉमन लिया तो फाइव थाउजेंड इंटू फोर फाइव थाउजेंड फोर एक्स अच्छा एक मिनट कॉस्ट फंक्शन तो पॉजिटिव है ना यहाँ देखो ये यह पॉजिटिव था ना तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव निकल करके बाहर में क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस फोर एक्स ठीक है तो यहाँ से बच्चे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन बाई फाइव थाउजेंड एक्स स्क्वायर तो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस फाइव थाउजेंड इंटू फोर इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस फोर हंड्रेड इंटू फाइव थाउजेंड ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया दिस विल बी माइनस वन बाई फाइव थाउजेंड एक्स स्क्वायर माइनस टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड टू से डिवाइड करेंगे तो ये देखो फाइव थाउजेंड इंटू फोर था ट्वेंटी थाउजेंड तो यहाँ पर हम टेन थाउजेंड इंटू एक्स लिख सकते हैं और टेन थाउजेंड का फिर स्क्वायर करेंगे तो टेन थाउजेंड का स्क्वायर और एक बार टेन थाउजेंड का स्क्वायर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस फोर हंड्रेड इंटू दिस ट्वेंटी डबल ज़ीरो एंड थ्री ज़ीरो देखो बच्चे वैल्यू जरूर बड़ी आ रही है लेकिन इतने को क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस वन बाई फाइव थाउजेंट इंटू एक्स माइनस टेन थाउजेंड का होल स्क्वायर और इधर देखो दिस इज़ हाउ मच वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर है वन टू थ्री फोर फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर का स्क्वायर करेंगे फोर जीरो का तो यह आ जाएगा हाँ तो देखो इसको हम लिखते हैं माइनस वन बाई फाइव थाउजेंड तो रहेगा ही रहेगा और ये आ जाएगा ट्वेंटी और यहाँ पर है थ्री थ्री सिक्स थ्री ज़ीरो फोर फाइव सिक्स और माइनस वन टू थ्री फोर एक और वन टू थ्री फोर तो देखो मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना हम लोग पाई को मैक्सिमम पाई कितना होगा दिस वैल्यू और एट एक्स इज इक्वल टू टेन थाउजेंड और मैक्सिमम पाई मैक्सिमम पाई कितना आ जाएगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो दिस इज ट्वेंटी एंड दिस मच एंड माइनस दिस तो थोड़ा सा तो पेशेंस रख के करना ही पड़ेगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और इसमें से ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और फिर टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो 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 और हंड्रेड में से टू गया तो नाइन्टी एट और माइनस माइनस इधर माइनस है और इधर भी तो माइनस आएगा तो ये आ गया नाइन्टी एट वन टू थ्री फोर फाइव अपॉन फाइव थाउजेंड तीन जीरो तीन जीरो कैंसिल फाइव से करेंगे तो फाइव वन जा फाइव फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव फाइव सिक्स जा डबल जीरो सो मैक्सिमम पाई इज इक्वल टू वन नाइन सिक्स डबल जीरो तो ये आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा बच्चे ठीक है अब पूछे थर्ड पार्ट में इफ गवर्नमेंट इम्पोजिस टैक्स ऑफ जीरो पॉइंट फाइव फिफ्टी पैसे तो टैक्स रेट जो है वो जीरो पॉइंट फाइव रुपीज के हिसाब से दे रखा है और पर यूनिट ये किस टाइप का टैक्स है एक्साइज टैक्स है किस टाइप का टैक्स है एक्साइज टैक्स है तो न्यू प्रॉफिट फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन न्यू विल बी इक्वल टू तो, न्यू प्रॉफिट फंक्शन विल बी इक्वल टू तो ओल्ड पाई माइनस टी इंटू एक्स तो व्हाट इज ओल्ड पाई फाइंड दिब्रियम अब ओल्ड पाई कितना था ये था पूरा ना पाई एक्स दिस वन तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड ही ना बस वन टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव थाउजेंड प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर हंड्रेड माइनस टी इंटू एक्स तो जीरो पॉइंट फाइव इंटू एक्स यानी सब कुछ वैसे ही चलेगा बस फ़र्क कहाँ पड़ेगा फाइव थाउजेंड ये फोर की बजाय फोर माइनस जीरो पॉइंट फाइव ये थ्री पॉइंट फाइव एक्स बच जाएगा तो सिमिलरली सिमिलर टू सिमिलरली एज़ इन टू जब आप पाइन को पूरा करोगे तो ये जो फंक्शन निकाला था ना ये बिल्कुल ऐसा ही चलेगा बस फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा देखे ज़रा ये देखो यहाँ फ़ोर की जगह थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कुछ और ही आ जाएगा फिर उसके बाद सेम तरीके से करके इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो पाइन को सेम तरीके से अब आपको सॉल्व करना है यह आप अपना खुद करोगे प्रोसीड सेम वे बस फर्क ये पड़ गया कि फ़ोर की जगह क्या आ गया थ्री पॉइंट फाइव ठीक है बच्चे अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं क्यूबिक फंक्शन अब ये खत्म हो गया मोनोप्ली वाला एग्जाम्पल अगर उसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो या फिर प्रैक्टिस करके और फिर बाद में पूछना पढ़ने के बाद अब बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारे चैप्टर का नाम क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियस हम लोग पढ़ रहे हैं क्वारेटिक पॉलिनोम्स तो उसमें क्यूबिक फंक्शन भी पढ़ना है रूट्स भी पढ़ना है रूट्स आपको पता है रूट्स क्या होते हैं सॉल्यूशन यानी जहाँ पर वो ग्राफ़ वाइज अगर डिस्कस करें ग्राफिकली तो ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करता है दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड रूट्स और जीरोज़ भी हम कहते हैं एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको कहा वाइजल टू एक्स स्क्वायर तो आप ऐसे वाला पैराबोला बनाते हो ना चैप्टर टू में कर रखा है हमने क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे बस यहाँ पे टच करके एक्स एक्सिस को जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है तो इस केस में क्या होगा सिंगल रूट इस केस में क्या मिलेगा सिंगल रूट क्योंकि एक ही जगह एक्सिस को कट किया इस केस में क्या मिलेगा बताओ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे और तीसरे वाले में क्या इस पैराबोला ने एक्सिस को कहीं पे कट किया नहीं किया तो नो रियल रूट्स यानी अब आगे जो भी हमें पढ़ना है वो सब कुछ किससे रिलेटेड पढ़ना है रूट्स से ही रिलेटेड पढ़ना है तो क्यूबिक फंक्शन में बच्चे हम लोग अभी तो पहले दो रूट होंगे मैक्सिमम ये हमने स्क्वायर वाले फंक्शन में देखा तो अकवाडरेटिक इक्वेशन मे हैव अकवाडरेटिक इक्वेशन मे हैव तो बच्चे अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है अगर होगा भी रूट तो मैक्सिमम कितने मैक्सिमम टू रूट्स क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पावर होते हैं वो कितने होते टू होते हैं तो मैक्सिमम इसके पास दो रूट हो सकता है दो से ज़्यादा नहीं हो सकता अब आते हैं क्यूबिक पे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्यूबिक में बच्चे क्या हो जाएगा वाई इजल टू एक्स क्यूब में ध्यान से देखो एक्स क्यूब का ग्राफ आपको याद है वन वन माइनस वन इस तरीके से इसके कितने रूट होते थे सिंगल रूट या फिर क्यूबिक इक्वेशन तीन बार इस तरीके से दिखला सकता है तो वन टू थ्री थ्री रूट्स ठीक है या फिर क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके का भी हो सकता है तो कहोगे मैम इसमें तो दो ही रूट मिले हैं लेकिन ये जो है ये रिपीटेड रूट होगा मतलब ये दो दो बार आ रहा होगा एंड दिस वन एज सिंगल रूट तो टोटल मिला करके हो गए ना तीन रूट नो no रूट का कंडीशन मिलेगा ही नहीं क्यूबिक में क्यूबिक में नो no रूट का कंडीशन आएगा ही नहीं ठीक है बच्चे अब कहोगे कि मैम इसमें क्या हुआ इसमें सिंगल रूट मिला और आपने कहा कि क्यूबिक इक्वेशन क्वेश्चन है तो इसके पास कितने होंगे तीन रूट होंगे तो बाकी दो रूट कहाँ गए अदर टू रूट्स आर इमेजिनरी अदर टू रूट्स आर इमेजिनरी। आप सभी बच्चे ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ के आए हो तो ये एक मेरी छोटी सी बात समझ जाओगे तो वो करवाते हैं अदर टू रूट्स आर इमेजिनरी या ये रिपीटेड है यहां पर तो खैर रिपीटेड है मे आर इमेजिनरी और रिपीटेड एक्स क्यूब में क्या हो रहा है तीनों एक्स बारी बारी से जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो जीरो 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 तो तीनों मिलेंगे हमें ज़ीरो ही मिलेंगे ठीक है तो रिपीटेड का केस है और इमेजिनरी का तब होता है जब हमें क्या मिल रहा हो लाइक एक एग्जांपल ले लो एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू तो ज़ीरो क्या मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू तो ज़ीरो इसको बच्चे जब करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक तो वैल्यू हमें एक्स इज इक्वल टू वन मिल गई और एक एक्स निकालोगे यहाँ से वही टेंथ वाला अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके तो क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वा माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए सो इट विल बी माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस थ्री अपॉन टू सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री रूट अंडर माइनस वन को लिखेंगे आयोटा तो इमेजिनरी रूट देखो ना एक बार ये आया है तो so, एक बार क्या आ रहा है ये आ रहा है तो so, यहाँ से हम आपको दो चीज़ें बताने वाले हैं कि जो दो रूट आपको नहीं मिलते हैं कभी कभी तो वो दोनों हो जाते हैं इमेजिनरी एंड इट्स इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इमेजिनरी रूट ऑन अ रियल नंबर लाइन इम्पॉसिबल होता है और नोट में आपको ये याद रखना है कि इमेजिनरी रूट हमेशा ही पेयर में आता है इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर ये हमेशा किस में आएगा पेयर में ही आएगा दैट इज़ एक अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है देन अदर विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा ये होगा ही होगा ठीक है नोट टू ये भी आप जान लो कि इमेजिनरी के साथ जैसे जैसा होता है वैसे ही ई e रैशनल के साथ भी होता है ई रैशनल रूट्स ऑल्सो अकर इन पेयर ये आपको नहीं समझ में आएगा ऑल्सो अकर इन पेयर एक अगर टू प्लस रूट थ्री है देन दूसरा क्या होगा टू माइनस रूट थ्री समझ में आ गया ये हमेशा कंजुगेट टाइप का पेयर में होता है ये तो ये प्रॉपर्टी होती है किनकी इमेजिनरी रूट्स की और इरेशनल रूट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना है इसका जवाब आपको देना है पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेवनटीन मे हैव ऑप्शन मैंने आपको दिया नो रियल रूट दूसरा ऑप्शन है एट वन रियल रूट एट वन रियल रूट तीसरा ऑप्शन है सेवनटीन रियल रूट्स 17 रियल रूट्स और चौथा है एटलीस्ट वन रियल रूट 17 रियल रूट्स नो रियल रूट्स ये चलो तीन ही ऑप्शन दिए अब आपको सोच करके जवाब देना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए अगर डिग्री 17 का है तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं कुछ आइडिया है आपको देखो अगर 17 है डिग्री ऑड मैंने जानबूझकर के लिया है तो हो सकता है कि सारे के सारे केसेस केस वन में ऑल मे बी मैंने लिखा है ऑल मे बी रियल रूट्स सारे के सारे रियल रूट्स हो सकते हैं केस टू अगर मैक्सिमम हम इमेजिनरी रूट ही लेट कर ले मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स होंगे तो बता सकते हो कितने मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल हैं सत्रह में से सोलह इमेजिनरी रूट हाँ क्योंकि ये हमेशा पेयर में आएगा तो सेवनटीन इमेजिनरी रूट्स हम कभी बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसका फिर पेयर कहाँ से लाएंगे तो सत्रह रूट तो होंगे क्योंकि सेवनटी जितनी डिग्री होती है उतने तो रूट होते हैं बच्चे सेवनटीन रूट्स होंगे तो मैक्सिमम अगर इमेजिनरी सारे के सारे इमेजिनरी भी कर दे तो सोलह ही होगा तो फिर भी एक बचेगा ठीक है देन ऑल्सो वी हैव देन ऑल्सो वी हैव वन रियल रूट वी हैव वन रियल रूट तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑर्ड डिग्री इक्वेशन में ऑर्ड डिग्री इक्वेशन में ऑलवेज हैज एटलीस्ट वन रियल रूट एटलीस्ट वन रियल रूट इसलिए आपने देखा होगा कि जो मैंने एक्स क्यूब के ग्राफ्स बनाए हैं उसमें कम से कम एक रियल रूट तो ज़रूर दिखलाया है ठीक है ये देखो जबकि डिग्री टू में यहाँ पर नो रियल रूट क्योंकि दो ही रूट होने थे तो दोनों के दोनों पेयर में अगर आ गए इमेजिनरी तो बिल्कुल ही एक्स एक्सिस से बिल्कुल अलग ही ग्राफ बनेगा तो डिग्री टू में देयर मे बी पॉसिबिलिटी डैट ग्राफ मे नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस बट इन ऑड डिग्री फंक्शन ग्राफ विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस यानी उसके पास कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होगा सो विच ऑप्शन इज करेक्ट दिस वन इज करेक्ट ठीक है यहाँ तक करा दिया अब है इंटीज़र रूट थ्योरम है फिर रिमाइंडर थ्योरम है पावर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन सब पे छोटे मोटे छोटे मोटे क्वेश्चन हैं तो ये सब आज के क्लास में तो बच्चे नहीं हो पाएगा एक क्लास और लगी ही जाएगा तो डैट तो वी विल डू इन क्लास थ्री लेकिन बस एक क्लास और, और फिर ये चैप्टर थ्री हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको अपने असाइनमेंट में से भी करवा देंगे जो जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है जैसे डायग्राम से ग्राफ से देख करके के इक्वेशन निकालना इक्वेशन से तो डायग्राम बनाने आपको आता है लेकिन डायग्राम देख करके ये आइडिया लगाना कि कौन कौन से इसके रूट हैं एंड वॉट मे बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो ये बच्चे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में